मुख्यमंत्री क्यों, मैं तो अपने आप को मुख्य सेवक मानता हूं। जब देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी है तो डॉक्टर मोहन यादव कैसे अपने आप को मुख्यमंत्री मान सकता है। मुख्यमंत्री केवल संवैधानिक दायित्व के आधार पर, लेकिन प्रधान सेवक के साथ मैं भी मुख्य सेवक के रूप में आपकी भूमिका निभाने आया हूं। और आज यहां जब आपके बीच में आया हूं तो खाली हाथ नहीं आया हूं। अभी हमारे कांवरे जी कह रहे थे, कांवरे जी ने कहा कि ये आयुर्वेदिक के मंत्री थे, इनकी बहुत इच्छा थी। और यहां तो बालाघाट में पूरा वनांचल, कान्हा का आधा हिस्सा, अभी ढाल सिंह जी बता रहे थे कि आधा हिस्सा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का तो इसी में आता है। बड़े पैमाने पर हमारे यहां बड़ी संभावना है। ऐसे में अब हमारी, जैसे मैंने कहा पहले भी कि कोविड के समय आयुर्वेद का महत्व मालूम पड़ा था, तो आयुर्वेद के आधार पर इस क्षेत्र में विकास क्यों नहीं होना चाहिए। हमने सरकार के पहले अंतरिम बजट में इस बात का प्रबंधन किया कि मंडला, बालाघाट ऐसे सभी वनों वाले जिलों में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय करते हैं। बहुत जल्दी बड़ी सौगात अपने इस आयुर्वेदिक कॉलेज की बालाघाट में मिलने वाली है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि लगातार एक के बाद एक कई सारे उद्योग, आज भी जब मैं आया तो यहां पर तीन उद्योग, मेसर्स हिंदुस्तान ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, मेसर्स हिंदुस्तान टेम्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन मैंने किया है, और 761 करोड़ की लागत के कई सारे निर्माण कार्य का यही भूमि पूजन लोकार्पण किया है।